दिल्ली में मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि पूरे देश में पीएम मोदी वर्सेस सीएम केजरीवाल हो जाएगा, माफ करिएगा निगत अब्बास, मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो देश भर में स्वीकार हो रहा है। लेकिन आज फिलहाल हम गुजरात की बात नहीं करते हैं, देश की बात नहीं करते हैं, आज आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जिसके चलते दिल्ली के अंदर में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की जो सरकार है, उसको शासन है, उसको हटाने का काम किया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर में इन्होंने कूड़ा कूड़ा कर दिया, इन्होंने सारी व्यवस्था खराब कर दी, और 3 बार लगातार दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। आपने देखा है किस प्रकार से 3 बार विधानसभा के अंदर में, 1 बार यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर में, सिंगरौली के अंदर में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर में, और जैसे ही अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, हम पंजाब से होते हुए, चंडीगढ़ से होते हुए, सिंगरौली से होते हुए गुजरात पहुंच चुके हैं, और देश भर में इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, और मध्य प्रदेश में भी आएंगे, छत्तीसगढ़ में भी आएंगे, राजस्थान में भी आएंगे, और 2024 तक वापस दिल्ली आएंगे, और केजरीवाल वर्सेस मोदी का राजीव रंजन कह रहे हैं, और ये सही भी तो है निगत, ये जो 104 सीटें मिली हैं मोदी के नाम पे ही तो मिली हैं। नहीं देखिए मानक जी, ऐसा नहीं होता इस प्रकार से, तो दिल्ली का विधानसभा भी हमें जीतना चाहिए था, हम क्यों हार गए वहां पर भी नरेंद्र मोदी जी के नाम से। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं जो है कि नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार उनको लोग अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, जिनको जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर उन्हें माना जाता है, तो उस बात को कहीं ना कहीं दिल्ली और देश की जनता देखती है और उसके ऊपर वोट करती है। इस बात में मैं इसमें कोई शक नहीं, नरेंद्र मोदी जी एक सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में, स्टार कैंपेनर के रूप में, और एक स्टार आइडियोलॉजी के रूप में भरकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और लोगों के लिए। इस बात में कोई दो राय नहीं, ये भरोसा है देश की, दिल्ली की जनता का, नरेंद्र मोदी जी में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप ये कहें कि दिल्ली की जनता ने एमसीडी के चुनाव में नाम पर ही वोट करा और काम पर नहीं करा, तो इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती। राजीव जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, मुझसे ज्यादा जानकारी और मुझसे ज्यादा समझ रखते हैं चुनाव की, लेकिन मैं फिर भी इस बात को दोहराना चाहूंगी और बड़ी विनम्रता के साथ दोहराना चाहूंगी कि मेरे भाई 104 सीटें नहीं आ सकती हैं बिना बिना काम करे। 15 साल काम करा है एमसीडी, 180 से 104 हो गया। सुनिए देखिए मेरे भाई ऋतुराज जी, आपका नाम पसंद है, ये थोड़ा आज आप बीच में बोलेंगे नाम पसंद है, बोलने दीजिए। 180 से 104 हो गया, करे काम को पसंद किया लोगों ने, आपकी सरकार बन गई है, आपकी नहीं, सरकार, नहीं, सरकार वाली छोड़िए, आप गलत बात कहेंगे टोक देंगे हम। 180 से 104 हो गया, आप कह रहे लोग काम पसंद कर रहे हैं, सुनिए 49 से 134 हो गया तो गड़बड़ हो गया, आपको 180 से 104 हो गया तो ठीक हो गया। इसको न्यूट्रल रहने देते हैं, इसमें मानक जी जवाब दे देंगे, रंजन जी जवाब दे देंगे, आप और मैं तो बायस बात करेंगे ना, है ना, बायस बात क्यों करेंगे, जेन्युइन फैक्ट बात कर रहे हैं हम तो, जेन्युइन आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जेन्युइन आप नहीं कर रहे। 15 साल में मानक जी, अगर मुझे 180 से 104 नहीं हुआ क्या पिछली बार, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। क्या 104 सीटें मायने रखती हैं 250 में से, 104 सीटें क्या बिना काम करे पाई जा सकती है 15 साल बाद? 180 से 104 की वजह से कुछ सीटें जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी ना, क्यों नहीं जाएंगी, 180 से 104 के 100 और 90 भी होंगी। अगर सरकार में इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होगी 15 साल की, 15 साल आप मान रहे ना कि एंटी इनकम्बेंसी हुई है क्योंकि लोग नाराज थे, क्यों नहीं होती, बिल्कुल नाराजगी थी ना, मैं तो कह रही हूँ कुछ उसमें हमें भी आप मंथन। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म, ध्यान नहीं देते हम, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत धन्यवाद।